इधर पे कुछ कारण कुछ तो लड़ाई वड़ाई हो रहा है इसके लिए लावा का लाइक करो डायरेक्टली नहीं मैटर में। हे हेलो व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं रिक और आप देख रहे हैं रिक्स व्लॉग 2.0 यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई विल शो यू चिकबनवाड़ा टू केएसआर बैंगलोर जर्नी। पूरा रूममेट मिलके आज केएसआर बैंगलोर जाने का प्लान लिया है, जिसको कहते हैं मैजिस्ट्रिक व्यू, क्योंकि लास्ट डे है आज इनके साथ टाइम बिताने का, फाइनली घूमने उमने जाने का, क्योंकि इन लोग का एग्जाम के बाद ये लोग चले जाएगा पूरा। तो सबने सोचा कि आज चलिए थोड़ा कहीं पर घूम के आते हैं, थोड़ा खाना पीना होके शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। उसी के लिए हम लोग अभी निकल चुके हैं। अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन के पास है, देख सकते हैं ट्रेन का पटरी का वो तो लगाता है, वो सब है। स्टेशन में जाके टिकट विकेट खरीद के फिर आपको दिखाते हैं कंटिन्यू। तब तक के लिए बने रही है वीडियो। अभी हम लोग चिकबनवाड़ा स्टेशन पे आ चुके हैं। अभी टिकट वगैरह लेने के लिए एक दोस्त गया है, तो टिकट लेके आते हैं। ट्रेन आने में अभी भी फिलहाल 10 से 15 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा कि ना स्टेशन का एक छोटा मोटा वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। गाड़ी फिलहाल आएगा 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो पहुंच चुका हूँ 4 नंबर पे। देखिए सुबह में सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि स्टेशन पे ही मॉर्निंग वॉक कर रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, स्टेशन पे कोई मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, बिंदास सब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सब हेल्थ कॉन्शियस बहुत है सब लोग। देखिए आप, ये देखिए एक अंकल इधर पे वो कर रहे, उधर पे दो, उस साइड पे एक, दूर पे और एक अंकल कर रहे। ये देखिए चिकबनवाड़ा स्टेशन, ये पड़ता है यशवंतपुर से करीब आधा घंटे का दूरी में ये है स्टेशन। फाइनली दोस्तों के पास व्हाइट इज होम टेक, आके ही खाना पीना स्टार्ट कर दे, भूख कर गई। सुबह में कुछ नहीं खा के आए हो, क्यों नहीं खा के आए हो, बिस्किट से पेट भरेगा क्या करूं? क्या यार, देख रहे हो लौंडे फंडे की हालत कैसा है। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, क्या कितना बजे का, मॉर्निंग का 8:05 हो गया सर। 7 बजे से 6:30 या 7 से हम लोग पूरा उठ के पूरा रेडी होके तैयार होके अभी आ रहे हैं सब लोग मिलके। हमारा स्टेशन से हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं, करीब 5 मिनट का रास्ता है, इसलिए सब लोग देर से उठे। बोलेंगे जाएंगे तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल रहे क्या? हाँ इसको नींद आ चुका है, देखिए इसको नींद आ चुका है। जल्दी उठा दिया बेचारा को मैंने, रात को देर से सुबह पढ़ाई वढ़ाई करके एग्ज़ाम के लिए सुबह को बोल दिया चल 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 जल्दी जल्दी करके इसको उठा के। सब लोग का हालत देखो बड़े भाई क्या हाल चाल, सब ठीक है? राजू भाई, राजू भाई क्या हाल चाल, नींद आ रहा है क्या? बहुत आ रहा है, ठीक है ट्रेन में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हम लोगों का ट्रेन आ चुका है। पीछे करीब हम लोग 30 से 45 मिनट तक इधर पे खड़े थे, इतना देर के बाद अभी इस ट्रेन पे जाएंगे। इतना देर बाद फिर ट्रेन आया, इस ट्रेन पे हम जाएंगे। ये स्टेशन के बाद 1-2-3 स्टेशन छोड़ के उसके बाद हम लोग जाएंगे। सुबह सुबह इतना भीड़ ट्रेन पे, माय गॉड। ट्रेन में हम लोगों को बैठने का जगह नहीं मिला है, क्योंकि खड़े खड़े जा रहे हैं, 10 से 15 मिनट लगेगा। खड़े खड़े जा रहे हैं, गेट के सामने ही पूरा बिना डरे बिना पकड़े एकदम बिंदास खड़े हुए, जान का कोई परवाह ही नहीं।
मछली पकड़ के आ गया। कुछ नहीं कहते। फाइनली अभी हम लोग यशवंतपुर स्टेशन पे आ चुके हैं, देख सकते हैं इधर यशवंतपुर स्टेशन पे आ चुके हैं। और इसके बाद और एक स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपना डेस्टिनेशन पे। उसके बाद बाजार वगैरह देखेंगे, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। पास वाला ट्रेन भी हम लोगों के साथ चल रहा है, हम लोगों का थोड़ा उससे ज़्यादा स्पीड है तो आगे जा रहा है लिटिल बिट, ये भी जा रहा है, दोनों ही रुक जाएगा अभी। वो निकल गया, ये देखिए ऊपर से पूरा व्यू कैसा लगता है, पूरा केसर बेंगलोर जिसको मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। देखिए ये है ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, इस साइड का भी। तो चलिए चलते हैं अभी। फिलहाल अभी हम लोग 8 नंबर प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, 8 नंबर से अभी 1 नंबर की तरफ जा रहे हैं। 1 नंबर के बाहर, 1 नंबर पड़ता है बाहर की तरफ से उधर पे जाके चल के आपको दिखाने वाला हूँ। उस साइड का बाहर है, ये जो रास्ता है इस साइड का, वो बोर्ड वगैरह उस साइड से बाहर है। तो चलिए देखते हैं। इस साइड से भी आ सकते थे पर नहीं, मस्ती करना था तो हम लोग ने इस साइड से आया। ये है बाहर का गेट, बाहर का नज़ारा बोल सकते हैं। ये गेट से इधर पे जाते हैं, इसके बाद राइट साइड का टर्न लेंगे हम लोग बाहर की तरफ। मेडिकल शॉप भी अवेलेबल है इधर, कोई भी बीमार वगैरह हुआ तो मेडिसिन ले सकते हैं। ये मास्क की वजह से मेरा बुक का जो भाव है वो पूरा निकल के फिक्स में पड़ रहा है, तो ब्लर हो रहा है, कभी ये हो रहा है क्लियर हो रहा है, कभी ब्लर हो रहा है, दिख नहीं पा रहा है। उतर भी नहीं सकता मास्क। और ये नहीं, मैं हूँ सत्या और ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा दोस्त, पर से मेरा दोस्त को मारता हूँ, ये कुछ नहीं बोलता, इसको मैं ऐसे करता हूँ तो नहीं बोलता, ऐसा सुनता। इसके लिए लाइक करो, नहीं मैडम। ये है उस साइड का पार्किंग, ये है सामने लेफ्ट साइड का जो है वो है मैजेस्टिक का अंडरग्राउंड, मैजेस्टिक का अंडरग्राउंड। हम लोग जाएंगे उस साइड पे, रोड का उल्टा साइड पे होके जाएंगे। इधर पे कुछ कारण कुछ तो लड़ाई वड़ाई हो रहा है, कुछ तो लड़ाई वड़ाई हो रहा है, इसको करते हैं इग्नोर। ये है बाजार का अंदर का सीन, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा सा ही दिखा सकता हूँ, देख लीजिए। देखिए बाजार कैसा दिखता है, पूरा ऐसा इस तरह से दूर दूर तक जहाँ भी देखिएगा पूरा ही मार्केट है। इसका नाम है चिकपीट मार्केट, हर संडे को ओपन होता है ये वाला मार्केट। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी आ रहा है। अभी बारिश भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी ये लोग बहुत सारा सामान चूज कर लिया, 2-3 ड्रेस तो ले ही लिया, अभी भी चूज कर रहा है, इतना सारा सामान के अंदर भी नहीं ले पा रहा है। कलर बहुत सारा है, पसंद भी आ जाएगा, बट किसको ले किसको छोड़े चूज कर रहे सब लोग। We'll be right back.
फाइनली हम लोग बाजार से आ चुके हैं बाहर, और अभी आते आते रास्ते में एक पेठा का दुकान मिला है, उधर से ही ये वाला पेठा मैंने लिया 200 रुपये किलो, 250 ग्राम लिया। बहुत बहुत मिठाई, बहुत बहुत ही मिठाई। बाज़ार का अंदर का वीडियो मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उधर पे अंकल लोग बोल रहे इधर वीडियो अलाउ अलाउ नहीं, फिर भी एक दो दुकान पे जहाँ जहाँ पे खरीदा उधर से लेके वीडियो बनाया ठीक ठाक से, आपको दिखाता हूँ। और क्या क्या सामान लिया वो रूम में जाके आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, तो जाके वीडियो कंप्लीट कर, तब तक के लिए देखिए। देखिए ये केसर बैंगलोर का बाहर का नज़ारा। अभी हम लोगों का जो ट्रेन है वो 1:25 के है, 10 नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा वो। देखिए कितना भीड़ है इधर। ये है एंट्रेंस और एग्जिट का दोनों का ही गेट, इधर से ही आए थे अभी, अभी आ चुके हैं वही। फाइनली हम लोगों को जाने का ट्रेन मिल चुका है, बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली एक ट्रेन आया। पूरा ट्रेन देख सकते खाली है, इस साइड पूरा ही खाली। आराम से सुकून से जाएंगे, जाके उसी से जाएंगे और उसको दिखाएंगे क्या क्या खरीदा, क्या क्या सामान, इसका कितना प्राइस है। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, अभी इसी ट्रेन से अभी आए, 2-3 स्टेशन के जर्नी करके अभी आए। इधर से हॉस्टल का 5 मिनट का रास्ता, फिर चल के जाना पड़ेगा। इतना इतना थक चुके हैं, बहुत नींद आ रहा है, बहुत नहीं जगह है, भयंकर सा नींद आ रहा है, बहुत जगह है। फाइनली पहुंच चुके हैं रूम, रूम पे अकेला बोर हो चुका लड़का। अभी सब लोग ड्रेस व्रेस जो जो खरीदा है सब कुछ दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ये सब पूरा, ये जो सामान देख रहे हैं पूरा ये सब कुछ शॉपिंग किया है आज। ये है YT सोनटेक का एक शर्ट, दो शर्ट और 3 शर्ट, ये तीनों है YT सोनटेक का। अच्छा ठीक है, ये तीनों हुआ। ये जो फुल राउंड फुल स्लीव का कॉलर ये है टी शर्ट, ये मेरा है, ये मेरा। ये जो टी शर्ट है, ये जो टी शर्ट है ये है हमारा रूममेट का सत्यजीत का। ये जो स्कूल ड्रेस है, स्कूल ड्रेस जो है ये भी उसका है, ठीक है, दो उसका, एक मेरा, दो तेरा। ये जो खतरनाक वाला देख रहा है चेक वाला, ये चेक शर्ट, ये भी उसका, दो मेरा 3 तेरा। ये जो है ये शर्ट, ये कैमरामैन भैया का है, ये कैमरामैन भैया का है, ये भी चल रहा है, गिफ्ट चल रहा है। ये भी जो है ये भी कैमरामैन भैया का, ठीक है। कौन सा कलर आपको अच्छा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और लास्ट में ये जो है ये भी कैमरामैन का है। फुल खुल के शॉपिंग किया सब लोग ने मिलके, एकदम मस्त उड़ाया, ऐसे ऐसे करके उड़ा दी। सब हो गया खत्म, मैं बस और एक पैंट लिया था, वो है ये वाला जीन्स और इसके साथ ये वाला टी शर्ट, ये दो लिया। आप कमेंट में जरूर बताइए कौन सा कलर अच्छा है। और हाँ हाँ, ये भूल गया था, ये मैंने बैग भी एक लिया है उसके साथ, क्योंकि सामान पॉकेट में रख के मेरा पॉकेट पर खुल जाता है, इसलिए मैंने ये बैग लिया। तो आप बताइए कैसे लगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही,
तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।